कॉलेज के पहले हम लोग कैंटीन में चलते हैं। हाँ चलो। हाय ब्रो। हाय 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 हाय। कैसे हो? हाय दोस्त। हाय, कैसा है तू? कैसे हो? कैसा है? हाय हाय। स्टुपिड। ओह शिट। क्या बात है यार, तुझे और कोई काम नहीं है? जब देखो उसको छेड़ता रहता है। अरे यार ये क्या, नोटिस बोर्ड पे हमारा रिजल्ट आया है क्या? लेकिन एग्जाम तो अभी हुआ ही नहीं है। तुम एग्जाम में लिखते हो क्या? ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। आजा। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इंटर कंपटीशन इन ऑल डिग्री कॉलेजेस। मतलब अपने कॉलेज का नहीं है ये, तो इंटर कॉलेज का है। अरे पागल, ये इंटर कॉलेजेस के लिए नहीं है, डिग्री कॉलेजेस के लिए है। लेकिन वो फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। अरे ये आधे घंटे की फिल्म है। नो, हाफ एन आवर की नहीं, 20 मिनट की। उधर देखो, 20 मिनट से ज्यादा की फिल्म नहीं होनी चाहिए। फिल्म में आप टॉपिक कुछ भी रख सकते हैं या भाषा कुछ भी रख सकते हैं। फिल्म को 3 वीक्स में सबमिट करना है। लाख रुपए का इनाम है। वाह, लाख रुपए का इनाम। अरे यार, 10,000 में बनाएंगे तो 90,000 का हमें फायदा होगा ना? वाह, अच्छा फायदा है भाई। हाँ, क्या बात है। चलो, क्लास का टाइम हो गया, एक काम करो, शाम को घर आ जाओ, फिर देखते हैं। आंटी, पकौड़े बहुत मस्त हैं। ये ले, थोड़ा और खा ले। आंटी, इस पागल को खिला के कोई फायदा नहीं है। इस पागल को आता क्या है, जब देखो तो खाते ही रहता है। अच्छा सुन, फिल्म क्या बनाएंगे? मेरी बात सुनो, हीरोइन मैं रहूंगी। पानी पीला हुआ। पागल। क्या है ना, गले में कुछ अटक गया था। ठीक है ठीक। देख प्रिया, ये किसी तरह का जुलूस नहीं है और ना ही जुड़ेलों का मेला है। जो तू ऐसे नाचोगी, हमें कोई डरावनी मूवी नहीं बनानी है, ऐसी मूवी कौन देखेगा भला? स्टुपिड। देखो ना आंटी, आप इन्हें घर पे क्यों आने देती हैं? अभी लव स्टोरी बनाए क्या? नहीं यार। अपना कॉलेज कैंपस? नहीं यार। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, गरीबी, अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। सुपर यार। अभी कैमरा 2,000 पे पर डे, ठीक है? तू कॉन्सेप्ट रेडी कर ले। और लोकेशन? लोकेशन से याद आया, हमारे घर के पीछे एक स्लम एरिया है। बेचारे उन लोगों की परिस्थिति ही अलग है, देखने के बाद दया आने लगती है। यार ये लोकेशन बहुत अच्छी है, चलना। आप लोग कौन हैं बाबू? कौन हैं आप लोग भाई? हम फिल्म फेस्टिवल के लिए कुछ। ओहो, टीवी वाले हो? नहीं। हाँ हाँ, हम टीवी वाले हैं, आपकी समस्या को शूट करके हम सरकार को दिखाना चाहते हैं। ओहो, ये क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, ये टीवी वाले हैं, हम लोगों की समस्या को शूट करेंगे और टीवी में सबको दिखाकर हमारे लिए सरकार से सहायता दिलवाएंगे। देखो, ये लोग अगर हमारे बारे में कुछ सवाल करेंगे तो उसका जवाब ठीक ठीक देना। घबराने की बात नहीं है, ये टीवी की शूटिंग करके चले जाएंगे। क्या करना है बेटा? ये आपका ही है ना? यही हमारा काम धंधा है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, आप बिल्कुल वैसा ही करना। क्या करना है ये अभी बताना इनको, टाइम वेस्ट मत कर यार। आपका परिवार गरीब है, कमाई कम है इसलिए खाने को मोहताज है। आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष है।
ये कहानी है आपकी। ये कौन सी कहानी है, ये तो हमारी सच्चाई है। ये हमारी कहानी है। उस फैक्ट्री में कई सालों से लीकेज है जिससे हमारा पीने का पानी खराब हो गया। मेरा बड़ा लड़का बीमार है, सरकारी दवा खाने में लेकर गया तो बेटे को बड़ी बीमारी बता दी उन्होंने। 2-3 दिनों तक इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने को कहा, हम वहाँ नहीं गए। मेरा बेटा 2-3 दिन तक तड़प तड़प कर मर गया। गरीब घर में पैदा होना अभिशाप है। बहुत पढ़ा लिखा था, क्लास में फर्स्ट आता था, वो बहुत खुश था लेकिन क्या फायदा। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाते तो वो बच जाता। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, जितना कमाते हैं वो तो खाने कपड़े में ही खर्च हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे बाबू। फिर पानी की समस्या का क्या हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। कितने लोगों को बताया, सबने अनसुना कर दिया। वो खराब पानी पीने की वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। हमारा दुख हमारे साथ है। ठीक से आया ना बाबू, कि फिर से एक बार बोलूं मैं। नहीं नहीं, तो फिर हम लोग जाकर आते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हमारी कहानी से आप पैसे कमाते हैं, 100 रुपए तो दे दीजिए। इन दिस कॉम्पिटिशन द अवार्ड गोज टू मिस्टर अभी एंड टीम। क्या बात है यार, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम किया। अरे यार सही कह रहा हूँ, बढ़िया यार। हाँ यार सही बात है। अरे हमें भी फोटो दिखा, दिखा ना दिखा। आप लोग वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हमारी कहानी से आप पैसे कमाते हैं, 100 रुपए तो दे दीजिए। अभी चले क्या? गुड नाइट अभी। गुड नाइट अभी, फिर मिलते हैं। चलते हैं, मिलेंगे कल। हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे, जितना कमाते हैं वो तो खाने कपड़े में ही खर्च हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे बाबू। क्या हुआ, परेशान क्यों हो अभी? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं माँ। मैं अपने अभी को नहीं जानती क्या? किस बात की चिंता है? प्राइज मनी तुझे ही मिला है ना? कुछ नहीं माँ, जब वहाँ वीडियो शूट हो रहा था ना, तो एक ने बोला हमारा नाम लेकर तुम लोग पैसे कमाते हो, सच है ना माँ? अगर देखा जाए तो इन सारे पैसों पर
उन्हीं का हक है ना। मेरे दिल में एक बोझ सा है माँ। बस इतनी सी बात तो दुखी क्यों हो रहा है? उनकी वजह से पैसा जीता है ना, तो वो पैसा उनको दे दे, या फिर कुछ ऐसा काम कर जिससे उनका भला हो। सच में माँ? सच में, जो भी काम कर सच्चे दिल से कर, बस तू खुश रहे, मेरे लिए यही काफी है। थैंक्स माँ। चाचा जी। ओ, आप लोग हैं बाबू, आप लोग फिर से क्यों आए हैं? क्या कुछ और बोलना है? नहीं चाचा जी, ये आपको देने के लिए आया हूं। इतने पैसे मुझे क्यों बेटा? इस पर सिर्फ आपका हक है, ले लीजिए ना, आपके बेटे की तरह किसी और की मौत ना हो जाए, इसीलिए पानी की व्यवस्था कीजिए। ठीक है बेटा। साहब, ओ साहब, सुनिए साहब, ये बेटे ने हमें पैसे दिए हैं हमारे पानी के लिए। बहुत खुशी की बात है बेटा, आप लोग जो ये काम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है, आप तो भगवान के रूप हैं। देखिए आप ये समझ गई है, मैंने तो बहुत छोटा सा काम किया है। आपके लिए ये छोटा काम होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा है। इलेक्शन के समय सारे नेता आते हैं, इलेक्शन खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। दो अक्षर में मैंने तकलीफ बताई और आप लोगों ने इतनी सहायता की, आप जैसे लोग और हो जाएं तो हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। बेटी गौरी, कुमकुम लेकर आना। हे, मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार हमारे देश की ऐसी हालत कब तक रहेगी। इसे क्या पता कि हमारे देश के हालात क्या हैं, कितनी गरीबी है यहाँ। दरअसल प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे देश के जो राजनेता हैं वो डेवलप हुई चीजों की फोटो खींच खींच कर 10-10 बार दिखाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे देश की तरक्की हो रही है, लेकिन असल में देश में क्या हो रहा है हम लोग इस बात से अनजान है। दोपहर का खाना मिल जाए, पेट भर जाए, इसीलिए बच्चे लोग स्कूल जाते हैं। उन बस्ती वालों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार। अब हम लोग उनका क्या करेंगे? ऐसा बोला मेरे दोस्तों ने। तू ना अपने पर्सनल मैटर में उनको क्यों घसीट रहा है? मैंने तुझे बोला ना, तेरा जहां दिल करे वहां पर खर्चा कर। तू हमारे बारे में सोच रहा है ना? हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बात पूछूं? जो मास्टर साहब तुम्हें पढ़ाते हैं, अगर वो कहें अभी अब तुम भी मुझे पढ़ाओ, मास्टर जी को पढ़ाने का कोई महत्व नहीं है। इसके बदले अगर तुम जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हो, तो फिर बेटा तुम्हारे पढ़ाने का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि तुमने अपने ज्ञान का सही उपयोग किया है। वैसे मेरा बेटा तो ग्रेट है। माँ, तुम तो हमेशा मुझे ग्रेट बोलती थी ना। जो भी दो अंडे खाएगा ना वो ग्रेट होगा। आंटी, अभी कहाँ है? वो तो सुबह ही कॉलोनी चला गया। कॉलोनी? चलिए। ओके आंटी, ओके आंटी, बाय बाय आंटी, बाय बाय। देखो देखो, अरे हमें बहुत समस्या हो। अभी हाँ यार। क्या बे, जब देखो यही रहता है, कहीं राजनीति में तो नहीं जाने वाला ना? अबे कुछ बोलता क्यों नहीं? अभी कुछ सोचा नहीं है यार, बस इन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तुम लोग इसे कोई भी नाम दे सकते हो। आर यू सीरियस? हाँ मैं सीरियस हूँ। ए, ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स हमसे नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट है, सुन रहा है ना तू? हे, राजनीति अच्छी नहीं है। हाँ यार, टाइम वेस्ट। गंदी राजनीति हो सकती है पर गंदे नेता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऐसी कई फिल्में आई हैं। क्या कोई फिल्म देखकर आज तक बदला है? हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसी एक किसान को भी आज तक इंसाफ मिला है? अगर इंसाफ दिलाना है तो एक ही रास्ता है, और वो है राजनीति। इसीलिए मैंने इलेक्शन में खड़ा होने का फैसला किया है। पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम सबको जाना है तो जाओ,
ए, क्या बोल रही है? तू सीरियस है ना? हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम सब जाओ। चलो यार। दोस्त रे कमीने मेरे दोस्त रे, छोड़ के जा रहे कमीने मेरे दोस्त रे, दोस्त रे दोस्त रे। ठीक है, साथ में इतने बुरे काम किए, एक अच्छा काम नहीं कर सकते क्या? ए जा रहे। ए ऐसा सड़ा मुंह मत बना यार, थोड़ा हंस दे। ए हंसना, अरे हंसते ना, अरे हंसते यार, हंसते हो अच्छा लगता है, हंसते ना। मैंने बोला था ना, हाय यस, हाय यस, गुड, वेरी गुड। ए तू पॉलिटिक्स बोल रहा है, कहीं उस एमएलए के साथ तो नहीं? अरे बाप रे, वो बहुत खतरनाक है, और पाप किया ना राक्षसों का बाप बन जाएगा। हाँ। उसकी फोटो है क्या? यही है वो एमएलए। नमस्ते। हाँ आइए आइए, क्या बात है, आज सब लोग एक साथ आए हैं, बैठिए। नमस्ते। हम सब मिलकर एक पार्टी मीटिंग रखना चाहते हैं, इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मीटिंग फिर से किस लिए? पैसे दिए, दारू पिलाई, तो वोट दिए हो, अब फिर से मीटिंग किस बात की है भाई? दादाजी आओ बेटा। अरे रे 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 रे। हम चाहते हैं कि अगले एमएलए आप ही हो। अरे आप सब लोग हैं ना हमारा साथ देने के लिए, मुझे अपने पोते के साथ खेलने दो, आप लोग जाओ। चलिए सर, नमस्ते सर। हम चलते सर। नमस्ते। खाना खा लिए ना? हाँ, ठीक है, जाओ जाकर खेलो। अरे भाई हरी, मैंने अच्छे डायलॉग राइटर के लिए कहा था, तुमने किसी राइटर को बुलाया है क्या? ले आया जीजा जी, बुलाओ उसे। ए बाबू इधर आ। नमस्ते सर। तुम ही हो? हाँ सर। डायलॉग अच्छा लिखने आता है? हाँ सर, बहुत अच्छा लिखता हूँ। हाँ हाँ, क्या लिखा है बताओ। इस पार्टी का निशान है नंदनी, लहू से मैं लिखूंगा। ए, बकवास बंद करो, जनता को जगाना है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है, हम उन्हें अपनी बातों से बेवकूफ बनाते हैं और उनसे वोट लेते हैं। तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? मैं अपने बारे में तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पहली बार जब मैं इलेक्शन जीता था तो असेंबली में पैदल ही गया था। एमएलए साहब बहुत अच्छे हैं, उसूल और आदर्श वाले हैं, जनता हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। मैं फिर से पैदल गया लेकिन इज्जत नहीं मिली, कुत्ता भी नहीं पूछा मुझे। गांव का भला करने के लिए बोला, मैंने नहीं किया। गाड़ी खरीद ली, देखो बाहर खड़ी है, मेरी इज्जत बढ़ गई, लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मुझे हाथ जोड़े हुए और लोग चाहिए थे। फिर मैंने कई गाड़ियां खरीदी, कई बंगले बनाए, बहुत सारे फ्लैट्स खरीदे। लोग मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तब मुझे जनता की असलियत का पता चला, एक की सेवा करनी चाहिए, एक को छोड़ देना चाहिए। तब हमारी कीमत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और सब लोग पीछे आएंगे। यही ना, क्या मुझे वोट देने वाले लोग सोच नहीं रहे हैं अपनी गरीबी के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते? मिनिस्टर इस गाड़ी में आया, उस गाड़ी में आया, यही टॉपिक चलता रहता है। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। क्यों, बाहर नायक पैदा नहीं होते? अभी तक मैंने इस बारे में नहीं सोचा, इस बुड्ढे को एमएलए बनाने के लिए। हम जो नहीं सोचते वो तुम सोचने पर मजबूर करते हो, खानदानी राजनीति है। जो सही बात करता है वो समझदार होता है, और जो कोई बात नहीं करता वो बुद्धिमान होता है, विवेक वाला होता है। अच्छे डायलॉग लिख कर लाना, जाओ। बाप रे, सर में दर्द हो गया। जब तक कमाते नहीं है तब तक सिद्धांत की बात करते हैं, और कमाने के बाद सिद्धांत भूल जाते हैं। देखते हैं ये कब काम में आता है। वो बड़ा कमीना है,
और हम छोटे लोग हैं। उसका मुकाबला हम कर पाएंगे? बड़े आदमी को हराना है तो नीचे से सोचना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट। इनकी समस्या ही हमारा टारगेट है, इसीलिए सॉल्व कर देते हैं। लेकिन पर इनको कहने के लिए कौन है सर, बताइए ना सर। बहुत बेकार आइडिया है, तुम ना ये करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अगर जिंदगी में हार गए तो? मैं जिंदगी में हारूं या जीतूं उसकी परवाह नहीं है, मेरे हाथ से कोई अच्छा काम हो ये मायने रखता है मेरे लिए। छी 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 छी, वर्स्ट एटीट्यूड। ऐसी अकड़ बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ सर, हर किसी की अपनी एक अकड़ होती है। सर एक अच्छी माँ 100 टीचर के बराबर होती है। अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख कर उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। क्यों रोड पे भटकने के लिए? अपने बच्चों को ऐसे देखकर माँ को दुख नहीं होगा क्या? तो हम कर भी क्या सकते हैं? अपने पतियों को पनिशमेंट दो। कैसे बेटी?
पूरे दिन भर जब वो काम करके थक के घर आते हैं ना, और रात के खाने के बाद जब प्यार भरी बातें करते हैं, वही बातें उनके वही प्यार भरी बातों को कट कर देना है। अरे बाप रे, हमारे पति मारेंगे। अरे कब तक मारेंगे, आखिर में हमारे पैरों पे ही आके गिरेंगे। टीवी सीरियल इफेक्ट। अरे अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। इनको एजुकेशन देनी पड़ेगी, ये लोग अपनी समस्याओं से खुद लड़ सकें, ऐसी क्रांति लानी होगी। पर कैसे? सर, आपकी कॉलोनी से समस्याओं को लेकर बहुत सारे फोन आ रहे हैं, और पूछने पर कहता है कि मैं जिम्मेदार आदमी बात कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए ना सर, कि आगे क्या करना है। अरे भाई हरी। हाँ जी जी, हमारे एरिया में क्या हो रहा है? कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, जाकर देखो उसको। ये देखना है, ये जो मॉडल है। हाँ, इसी को तो मैं बोल रहा था। वो देख एमएलए का साला। ए, क्या चल रहा है यहाँ पर, और कौन है ये लोग? चलो निकलो यहाँ से। आउट आउट। हमारी फ्रेंड है। हाँ तो कॉलोनी में प्रॉब्लम है ना, इसलिए। इससे तुझे क्या? उनके प्रॉब्लम्स उनके हैं, तुझे क्या है? ए, निकलो यहां से, बोला ना। नहीं जाएंगे। बॉस, अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारना चाहिए, नहीं सुधारेंगे तो इंसान की इंसानियत खत्म हो जाएगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मेरा दोस्त अच्छा काम कर रहा है तो बीच में मत आ, निकल जा यहां से, इसी में ही भलाई है। भाई हमारा भाई एमएलए बनने वाला है। किसकी नजर? उसकी नजर, किसी की भी नजर, जिसकी भी कुदृष्टि हो उतर जाए। माँ, मैं भी डरूंगी माँ। भाग यहाँ से। तू अभी तक ब्रश कर रही है, लड़के वाले आते होंगे। माँ, वो इसका सारा काम करने के लिए मानेगा, तभी हम शादी के लिए हाँ करेंगे ना। नॉमिनेशन भर के जल्दी आ जाना, लड़के वाले आते होंगे बेटा। कौन सी पार्टी है? स्वास्तिक पार्टी। यहाँ साइन कर दो। ठीक है। जीजा जी, ये वही लड़का है जिसने नई पार्टी बनाई है, और ये लोग जो इसके पीछे खड़े उसके दोस्त हैं। तू ही है जनता के बीच आजकल, तेरा नाम बहुत सुनाई दे रहा है। कलर वाला ड्रेस पहन कर आया है। पॉलिटिक्स के नाम पर सफेद कपड़े फिक्स हैं, लेकिन काम के नाम पर कुछ भी फिक्स नहीं होता। ओहो, जवान हो, खून भी गर्म है तुम्हारा, लेकिन जनता का सपोर्ट कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 इतने ही, पार्टी इतने से चल जाएगी? पत्थर बहुत आसानी से मिल जाता है, पर हीरे आसानी से नहीं मिलते हैं। ये हीरे ही मेरे दोस्त हैं। मतलब मेरे पीछे सारे पत्थर हैं?
अरे जीजा जी की जय जयकार करो, चलो। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। तेरे पीछे वाले पैसा लेकर जय जयकार करते हैं, मेरे पीछे कौन है तुझे पता है? अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे दोस्त अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मेरे दोस्त मेरे सपने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मेरे लिए इतना काफी है। वैसे तुम्हारी उम्र के लड़के मेरी पार्टी में झंडा उठाने के अलावा कोई काम नहीं करते। देश के इतिहास से पता नहीं चलता क्या, बिना 40 साल के हुए कोई पद नहीं मिलता? यही इस देश में तुम जैसों का स्थान है। ए, 40 साल की उम्र में लोगों को आर्मी में भर्ती करवा सकते हो क्या तुम? हमारे 20 साल के लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं। गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः द्वय मातुरस्य हेरं वेगदंतो गणाधिपः विनायकः चारुकर्णः पशुपालो भावात्मयः द्वादश शेतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत विश्वं तस्य भवेद् अवश्यम्। आपका रीति रिवाज हमें बहुत पसंद आया। माँ जी, इस महीने में बहुत अच्छा मुहूर्त है, बस आप हाँ कर दीजिए। जीजा जी, दो दिन से देख रहा हूँ आप बहुत उदास बैठे हैं। उसने मेरी इज्जत उतार दी है हरी, तभी मैं आज चुपचाप बैठा हूँ। अरे भाई, आप एमएलए हो, इतनी छोटी सी बात पर आप टेंशन लेकर क्यों बैठे हो? गौतम भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
अभी अभी को क्या हो गया? ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं जाके देखता हूँ। अरे कल ही शादी हुई थी। अरे अभी कल ही तो शादी हुई थी और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। शराब के नशे में शादी की जल्दबाजी में हुआ, ये एक इंसिडेंट है, ये बस एक घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बड़ी बात नहीं है कोई। देखिए इनका खून बहुत ज्यादा बह गया है, वो कोमा में है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। सुन लिया ना, वो डीप कोमा में है, पर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मैं कैसे भी करके उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, यू डोंट वरी। सर यू कैन गो। ओके सर। तुम जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और उसके बाद तुम आकर मुझसे मिलो। ए गौतम, अब वो कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है? वो कोमा में चला गया है। उस एमएलए ने पुलिस और मीडिया को खरीद लिया, उन लोगों ने हमारे अपनों को मार दिया और कहते इसके पीछे किसी डकैत का हाथ है। जीजाजी, जीजाजी, जैसा सोचा था वैसा कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। क्या खत्म हो गया है हरी? क्या मतलब जीजाजी? तो फिर वो अभी हॉस्पिटल में है, उसको सबकी सहानुभूति मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए? ये आप क्या कर रहे हैं? खून निकल रहा है जीजाजी। जितना तुम्हें जीजाजी से प्यार है उतना ही जनता का प्यार भी मुझे चाहिए। चलो चलो चलो। ए कहाँ हो रहे तुम लोग? हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ। आते हैं भाई। जल्दी करो। अरे हमारे साहब क्या हुआ बताइए, हमें अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर क्या बोलना है ये याद है ना? एमएलए साहब, एमएलए साहब से बुलवाइए, हमें एमएलए साहब को देखना है। देखिए एमएलए साहब बहुत ही सीरियस हैं, 24 घंटे तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आप लोगों को संयम रखना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन ठीक है ना? राजनीति में नौटंकीबाजी तो कोई आपसे सीखे सर, कमाल एक्टर हैं आप। एमएलए साहब जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, 24 घंटे तक कोई कुछ नहीं कह सकता। सारे पेपर्स में उसके बारे में ही छपा है। शी यार, हमारा दोस्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उस कमीने को तो जान से मार देना चाहिए। नर्स, कंडीशन इज रिकवरिंग। गौतम कहां पर है? हमारे एमएलए साहब ने उन लड़कों को जो झटका दिया है ना, वो छोड़ गए होंगे उनके एमएलए साहब मामूली। गौतम, सिस्टर सर, सेम ट्रीटमेंट जारी रखो। ओके सर। ऐसा होगा कभी मैंने सोचा नहीं था। एनीवे, जो होगा मैं देख लूंगा। और क्या होना था भैया, आप ही बताइए, और कुछ बचा है क्या? आखिर उसे क्या मिला? लोगों की समाज सेवा करके, देखो अपने लोगों को ही खोकर आखिर क्या मिला? समझाया था ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। सही कहा, इसने एमएलए को मारने की कोशिश की पर नहीं मार सका, और अब इसे देखो, वो सब तो ठीक है पर मुझे लगता है तुम तो इसे जीते जी मारना चाहते हो। वो आखिरकार अपने एरिया का भला चाहता था, बताओ इसमें क्या गलत है? मेरा भी तो वही एरिया है और मैं बचपन से देख रहा हूं, किसी ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, सब केवल तमाशा देखते हैं। कुछ लोग तो डर के मारे यहां से भाग गए,
और कुछ लोग तो बेचारे बर्दाश्त कर रहे हैं। उन सब का मुकाबला करने वाला केवल एक था, वो है अभी। अब तुम बताओ कौन सही है, बर्दाश्त करने वाला तू या फिर भागने वाला मैं या मुकाबला करने वाला ये? कुछ लोगों को मौत का अर्थ समझ में नहीं आता, सिर्फ परमात्मा ही समझते हैं। और ऐसे लोग जनता के लिए पैदा होते हैं, जिंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि एक जंग के लिए। जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए जीनी चाहिए। जिंदगी एक जंग है। तेरे जैसे दोस्त होने से अच्छा है कि उसका कोई दोस्त ही ना हो। तूने उसकी आत्मा को दुखाया है। ये दुनिया एक नरक है, मैं भी मानता हूं, क्योंकि यहां एमएलए जैसे बहुत से रावण इसलिए नहीं बल्कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उसे देखकर हम लोग चुप बैठे हैं, इसीलिए मुझे ये दुनिया नरक लगती है। आज के बाद किसी को मत बताना तुम इसके दोस्त हो। आज के बाद किसी को मत बताना तुम इसके दोस्त हो। मालिक, मालिक, आपको जीना होगा, आपको जीना होगा। आपके बिना मैं भी नहीं जी सकता हूँ, मर जाऊंगा मैं भी अपने आप को चलाकर, मर जाऊंगा। आपको जीना होगा। ये सब के सब एक नाटकबाज है, एकदम सही। ये सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको जीना होगा। हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे, मालिक, आपके बिना नहीं जी पाएंगे। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हो आप? हे गौतम, पेपर देख यार, सब कुछ एमएलए के बारे में लिखा है और यहाँ पर हमारा दोस्त जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं यार? क्योंकि वो भगवान के सबसे करीब होते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसके सपने हम पूरे करेंगे। हम लोग इसकी कंडीशन देख रहा है ना? ए, मौत से डर लग रहा है क्या? मरेंगे, आज नहीं तो कल हमें मरना ही है। अगर मरना है तो किसी का भला करके मरो।
हमारे बारे में लिखने के लिए कितना पैसा लोगे? तुम लोगों ने सही सुना, हमारे बारे में लिखने के लिए कितना पैसा लोगे? क्या हो? मीडिया के बारे में क्या सोचते हो कि वो लोग पैसों के लिए अपने आप को हमेशा बेचने के लिए तैयार रहते हैं वो लोग? अरे देखो ये लड़का कैसी बातें कर रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो 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 बिकाऊ थोड़ी ना, बिकाऊ समझ मीडिया वालों को। हाँ चलो 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 बैठ जाइए सर। हमारे एरिया में क्या हुआ ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आपकी मीडिया भी अच्छी तरह जानती है। जहां जनता नहीं होती वहां वोटिंग हो गई ऐसा लिखते हैं। आपके लिखने पे इलेक्शन का परिणाम निर्भर करता है, आपके लीडर बदलते हैं, यहां तक कि उनकी पार्टियां बदल जाती हैं, यहां तक कि काम करने वाले कार्यकर्ता भी बदल जाते हैं। राजनीति की वजह से सबकी किस्मत बदल जाती है, जनता आप पर विश्वास करती है। एक बार हिम्मत करके देखिए, आप लोग ही हो जो जनता का भविष्य बदलते हो और उनकी किस्मत बदलते हो। एक गरीब के बेटे को जंग लड़ने के लिए कहते हो, कोई गरीबी से लड़ रहा है तो कोई स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके लिए लड़ रहा है, और आप लोग अपना पेट भर रहे हो। आप लोगों को पता है हमारे देश में भूख से ज्यादा हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं ये सोचकर मर रहे हैं। क्या आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की? एक बार हिम्मत करके देखिए। जनता के बीच में उसका बहुत नाम हो रहा है, ऐसा लगता है इलेक्शन वही जीतेगा। उनके विश्वास को हम तोड़ेंगे इस बार। कैसे? इस बार पार्टी की मीटिंग बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, पूरा ग्राउंड पब्लिक से भर जाना चाहिए, लोग मुझे हर जगह देख सकें, इस तरह से LCD स्क्रीन लगवाओ, हर चैनल पर हमारा ही टॉपिक होना चाहिए, वो सब देखकर बच्चों के दिल में हलचल पैदा होनी चाहिए। इन सब की क्या जरूरत है, हमारे साथ इतने लोग आएंगे? अगर घड़े में पानी भरा हो तो कौवे जरूर आएंगे। क्या मतलब जीजा जी? पैसा फेंको, हजारों लोग आएंगे। रेट कितना है? 300 रुपए के साथ साथ हर आदमी को बिरयानी भी मिलेगी। पिछली बार मुझे बिरयानी का पैकेट नहीं मिला था। अरे इस बार पक्का दूंगा भाई, मेरी बात सुनो। चलो हाँ फिर ठीक है, चलो ऊपर चढ़ो जाओ। अबे कौन है? इधर आ। क्या है बोलो? सबको कहाँ लेके जा रहा है? आप कौन है सर? इलेक्शन अधिकारी हैं क्या? ACB मेंबर डिपार्टमेंट से आए हैं क्या आप सर? मैं एक नंबर का बेवड़ा हूँ। अरे तू एक नंबर का बेवड़ा नहीं बल्कि इस दुनिया का विद्रोही है। अरे किसको बोल रहा है विद्रोही? क्या मैं भीख मांगकर दारू पीता हूँ? तेरी सरकार दुकान में बेचती है, मैं खरीद कर पीता हूँ। ये देख खरीदी है, तेरी सरकार ने मेरे साथ धोखा किया है। तेरी सरकार बेचे तो सही, मैं खरीदूँ तो गलत। कैसे भाई दारू पिलाकर वोट लेते हो तो तुम लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है, तो पीने वाला गलत कैसे हो गया भाई? दारू की बोतल और ब्लैक मनी, इसी से देश चलता है। क्या सोच रहा है मैं? सर 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 मुझसे गलती हो गई सर। सुनो 300 में कुछ नहीं होता है, महंगाई बढ़ गई है, 500 रुपए दो तो आऊंगा, समझ गए? गौतम जो बोला था सब ओके है, क्या प्लान सक्सेसफुल होगा? दुनिया में धर्म स्थापना के लिए कृष्ण ही सूत्रधारी थे, कहानी में कितने मोड़ लेकर आए, कृष्ण ही हमारे आदर्श है।
क्या यार, मीटिंग कितने बजे है? 2 बजे की है। अरे 2 का मतलब 2 बजे थोड़ी होगा, 5 के पहले नहीं होने वाला। चल हाँ, चल बाद में आते हैं। इनका काम सही है बॉस। क्यों रे ड्राइवर, टाइम क्या देख रहा है? मीटिंग के लिए टाइम हो गया ये देख रहा है? समय का पालन करने के लिए हम लोग कोई गांधी हैं क्या? अगर हम लोग मीटिंग में टाइम पर जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है। चल गाड़ी निकाल। लोगों ने जिस पर विश्वास किया है वो है ये जीत। मेरी जीत नहीं है, आप सबकी जीत है भाई। अपने एमएलए साहब ने मस्त बोला ना। इनको केवल बात करने वाला चाहिए, काम करने वाला नहीं चाहिए इनको। एकदम सही बोला। असल में आप सब लोग क्या हुआ, आवाज क्यों चली गई? सती, अरे आवाज नहीं आ रही है एमएलए साहब। देख क्या आ रहा है, जल्दी कर, जल्दी जाकर देख। ऐसे खड़े होते रहे, जाकर देख क्या हुआ रे। हमारी किस्मत अभी तक क्यों नहीं बदली? मैं आपके दिल की बात कर रहा हूं। हमारी किस्मत अभी तक क्यों नहीं बदली? क्या मैंने जो वोट डाला था वो सही आदमी को दिया है? क्या आपने कभी अपने दिल से यह बात पूछी? ये हमारे एमएलए साहब का घर है। सॉरी, एमएलए बनने के पहले का घर है ये, और ये सब एमएलए बनने के बाद। ये घर ही बदला है, पर आसपास कुछ भी नहीं बदला। सब के सब लोग वैसे ही हैं। सर जरा इस प्रचार को देखिए, ये तो बिल्कुल अलग तरह से हो रहा है ना। सही कहा। इतने सालों में इनकी बेईमानी की कमाई है 300 करोड़। भला हुआ इनका, इनके अपनों का और इनके रिश्तेदारों का। जो हमें मिलना चाहिए था, क्या सच में वो हमें मिला? जनता की तारीफ करके उन्हें खुश कर देना चाहिए। अगर हम जनता से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे तो वो हमें वोट देगी। इतना ही नहीं, वो हमें वोट देते समय कुछ नहीं सोचती है। अपनी गरीबी के बारे में नहीं सोचती, अपनी तकलीफों के बारे में नहीं सोचती। मंत्री इस गाड़ी में आ रहा है, उस गाड़ी में आ रहा है, यही टॉपिक लेकर लोग बैठते हैं। बेवकूफ है लोग, बेवकूफ है। ये हम सबको बेवकूफ बोल रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है। सही बात है, ये हमारा नेता क्या बनेगा? हमें बेवकूफ बोल रहा है। इसकी दीमत आदमी है ये। देखते हैं ये कब काम में आता है।
फिर भी आप लोग इस पर ही विश्वास करते हो? क्या सच में ये इंसान इस काबिल है? अपने दिल से फैसला लेने का सही समय यही है। मैंने जिस इंसान को वोट दिया है, उस इंसान ने हमारे लिए अब तक कुछ किया है या नहीं? इतने दिनों तक इस भ्रम में रहकर कि एक दिन सूर्योदय होगा, पर यहां तो सूर्यास्त हो रहा है। आंखें खोल कर देखो, ये आएगा, हमारी किस्मत बदलेगा, हमारी जिंदगी बदलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक वक्त का तुम्हारा पेट भर के जिंदगी भर तुम्हारे पेट पर लात मारने वाला ऐसे नेता को सबक सिखाना होगा। नेताओं को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही हथियार है, तुम्हारा वोट। तुम्हारे वोट को जो ये नोट से तोलते हैं, ऐसे विचारों की समाधि बना देनी चाहिए। अब सच्चाई की जीत होने का समय आ गया है। दूसरी बार हमें एक मौका मिला है, हमें स्वतंत्रता पाने का, हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। दुनिया में सबसे बड़ा नशा क्या है पता है? दारू या औरत का नशा बड़ा नहीं होता, नाम का नशा होता है। मेरे इसी नाम ने मेरे सारे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। हरि बाबू, मुझे जीतना ही है। पर ऐसी परिस्थिति में ये बदलता हुआ भारत है हरि, यहां सिर्फ पैसों की कीमत होती है, विश्वास की नहीं। पैसे फेंको, वोटर्स को खरीदो, सबको 500-500 रुपए दो, मुझे सिर्फ वोट चाहिए, मुझे जीतना है। Yeah.
हम तेरे लिए जीत रहे हैं। हमें लड़कर बहुत दिन हो गए भाई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। जनता हमें ही सपोर्ट कर रही है, तुम ही जीतोगे। हेलो, क्या है? नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं बोलूंगी तो नहीं समझोगे? हमेशा देश के बारे में सोचते रहोगे, कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। इतना भाव क्या खा रहे हो? तब तुमने अवॉइड किया था ना? तब की बात अलग थी। ओहो, लेकिन अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए हो ना, इसलिए जो देश के बारे में इतना सोचता है उसे कोई भी लड़की पसंद करेगी। ओहो, कहाँ ना, पास मत आना। आऊंगा। पास मत आना प्लीज। आया तो? मत आना। आया तो? नहीं, पास मत आना। पागल, किसी लड़की को कहाँ किस करते हैं तुम्हें नहीं पता है क्या? का टाइम हो गया, आप ये दवाइयां ले आइए। ओके सिस्टर। अरे बाप रे, कॉटन लाना भूल गई। सारी शुभकामनाएं।
हाँ हरी, बोलो क्या हुआ? ए, हम लोग हार गए यार। हम लोग इलेक्शन हार गए यार। ये कैसे हो सकता है? मीटिंग में लोगों ने हमको ही सपोर्ट किया था ना। जिस जनता के लिए हम लोग इतना लड़े उसने ही हमें वोट नहीं किया, उसने ही हमें हरा दिया। आखिरकार जनता ने भी हमें धोखा दिया। नहीं यार, वो लोग खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन वो एक तो बच गया ना। एकदम सुनसान जगह पर इसको क्यों जला रहे हो? इस मुर्दे को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? खत्म हो गया। अगर थोड़ा पहले आया होता तो मैं भी उसके ऊपर फूल डाल सकता था ना। ये लो, चिड़िया कितना भी पंख फड़फड़ा ले, कितना भी ऊपर उड़ ले, मैंने पहले ही तुमसे कहा था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग। आखिर में क्या हश्र हुआ, शमशान तक आ गए ना। इसीलिए कहते हैं जिसकी जो जगह है उसको वहीं पर रहना चाहिए।
क्या कहा था तुमने? मरोगे मरोगे बोला था ना? अभी तुम कहां खड़े हो? आपके सामने हमारी हैसियत भी क्या है सर? 15 लोगों को लेकर आए, ऐसे ही 100 लोगों को लेकर आओगे, उनको लाकर हमको यही दफनाओगे ना? पर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है सर, हम ही आपका टारगेट है। पर आप मेरा टारगेट कभी नहीं थे सर, आप अपनी लग्जरी लाइफ जियो, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? गरीब अभी भी पेट भर के खाना नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी लग्जरी लाइफ के बीच में आए तो तुम मार देते हो। गरीब पेट भर के खाना खाए, यही हमारा लक्ष्य है और यही चाहते हैं। तुम अपनी गंदी सोच नहीं बदल सकते तो हम भला अपनी अच्छी सोच क्यों बदले? लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। वोट डालने से पहले हर किसी के अंदर मनस, साक्षी और मानवता जब तक बाहर नहीं निकलती तब तक लड़ेंगे। इस बार तो जीत गए हो, नेक्स्ट टाइम तुम जीतोगे या नहीं इस बात का डर तो तुम्हें लग ही रहा होगा ना? आखिरी सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे, यही हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। बातें तेरी होंगी जब भी धर्म से जुड़ी, तू धैर्य रखना आए चाहे मुश्किलें कोई। आज तू अकेले है तो क्या हुआ भला, अरे आएंगे हजारों तू कदम बढ़ा जरा। लोगों ये ओ, अरे सोचो ये ओ, सोच लो सोच लो, ना रुकेंगे हम अब किसी के सामने, ना झुकेंगे हम। हे मत सोचो साथ तेरे पहले क्या हुआ, हर मंजिलों का रास्ता तो है कठिन भरा।
तेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, तो याद रख ले माँ से अपने क्यों जुदा हुआ। है युद्ध की कहानी, आंखों में है जो पानी, वो ही सैलाब लाएगा। जुर्म की दीवारें जालिम के अधिकारों को, वो ही बहाल जाएगा। सोच लो ना रुकेंगे हम, अब किसी के सामने ना झुकेंगे हम। सोच लो ना रुकेंगे हम, अब किसी के सामने ना झुकेंगे हम। सोच लो ना रुकेंगे हम, अब किसी के सामने ना झुकेंगे हम।